हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट फोर ऑफ आवर चैप्टर वन, दैट इज नेटवर्क. एंड दिस वीडियो इज फॉर सेवंथ कंप्यूटर क्लास. एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टॉपोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो हियर यू कैन सी दैट नेटवर्क टॉपोलॉजीज आर वट दैट. हमने अभी इससे पहले कुछ पढ़ा था कि जो नेटवर्क क्या होता है, कि कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है. फिर जब कनेक्ट करने के लिए हमने ये पढ़े थे दो टाइप के मीडियम होते हैं, या तो वायर्ड या वायरलेस, यानी या तो वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे या फिर वायरलेस तरीके से कनेक्ट करेंगे. लेकिन आप टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करो, चाहे वायर यूज करो चाहे वायर्ड यूज करो, अब क्या है, एक मेथड भी होता है कि जो दो, जैसे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, आपको उन्होंने कनेक्ट कैसे किया है. अब देखो, जैसे सपोज करो यहां पर इस पिक्चर में तीन हम कंप्यूटर देखते हैं, सिर्फ इन तीन को देखो, बाकी को भूल जाओ. तो इनको कनेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. एक तो ये भी हो सकता है कि मैं इस कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर दूं एक वायर के थ्रू, और इस कंप्यूटर को इससे भी कनेक्ट कर दूं, ठीक है. और एक तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको इससे कनेक्ट करूं और इसको इससे कनेक्ट कर दूं, ठीक है. या फिर क्या हो सकता है, मैं इनको तीनों को भी ऐसे कर सकता हूँ, ये इससे कनेक्ट हो जाए, ये इससे कनेक्ट हो जाए, और ये वाला फिर से इससे भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है. तो ऐसे आप, यानी कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टॉपोलॉजीज. दैट इन व्हाट वे द ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कि जो कंप्यूटर है वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से, कौन से वे में कनेक्ट हैं, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज. तो आपको एक बार समझ में आ गया होगा. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना. नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच नाउ कंप्यूटर एंड ऑल अदर डिवाइसेस दैट नीड टू कम्युनिकेट ऑफ ए नेटवर्क ऑल लिंक टूगेदर. नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द वे, उस वे को रेफर करती है, मतलब उस तरीके को दर्शाती है. नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है वो तरीका, वो वे, इन विच, जिसमें बाकी सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्ट हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है. तो वो वे जो है, वो तरीका है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी. इट डिटरमाइंस द नेटवर्क डेटा पाथ, ये हमें बताता है कि जो नेटवर्क में डेटा का रास्ता कैसे होगा, जैसे डेटा कैसे कैसे ट्रांसफर होगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो ये कंप्यूटर मैं इससे कनेक्ट करूं और फिर ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट कर दूं, तो अब अगर इसे, इस तीसरे कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड करना है, तो वो कैसे जाएगा, पहले वो डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से इस कंप्यूटर के पास. तो इसका एक रास्ता डिसाइड हो गया ना, अब ये कहीं और से नहीं जा सकता, ओके, क्योंकि इस जहाँ पे डेटा भेजना है तो उसे इस कंप्यूटर से होके ही गुजरना पड़ेगा. जैसे सड़कें होती हैं ना हमारे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, तो मान लो कोई जैसे दो शहर हैं, उनको जो जोड़ने वाली सड़क है उसके बीच में जो गांव आता है या कोई शहर आता है, तो आपको उस शहर से गुजरना ही पड़ेगा, भले ही आपको उस शहर में नहीं जाना, बीच वाले शहर में आपको नहीं जाना, ठीक है. तो बट ये आपका रास्ता बन गया कि आपको पहले यहाँ से इस शहर में जाना पड़ेगा, फिर तीसरे शहर में, ओके. तो ये क्या हो गया, एक रास्ता, पाथ हो गया. तो इस टोपोलॉजी से ही डिसाइड होता है कि जो आपका पाथ होगा डेटा का, वो क्या होगा. द बस, सॉरी, आगे पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इट डिटरमाइंस द नेटवर्क डेटा पाथ, तो इससे डेटा का पाथ डिसाइड होता है, विच मे बी यूज बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड इन द नेटवर्क. अब इस पाथ को ही हम यूज किया जाता है नेटवर्क के बीच में. नोड किसको बोलते हैं, नोड का मतलब कंप्यूटर, किसी नेटवर्क में जो जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, वो कंप्यूटर क्या, हर एक कंप्यूटर का एक नोड है, ओके. तो पेयर ऑफ नोड का मतलब क्या, दो कंप्यूटर के, दो कंप्यूटर के बीच में जो पाथ है वो क्या है, ठीक है, वो किससे डिसाइड होता है, इसी से डिसाइड होता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. उसके बाद देयर आर थ्री बेसिक टोपोलॉजी. वैसे तो जो टोपोलॉजी होती है वो कई तरह की होती है, अभी आप छोटी क्लासेस में हो तो आपको तीन बेसिक टोपोलॉजी हैं जो ज़्यादा यूज की जाते हैं, वही पढ़ाई जा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं इनके अलावा टोपोलॉजी नहीं होती. जैसे जब आप हायर क्लासेस में जैसे जाओगे, आपको और भी डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज
मिलेंगे, मतलब कई बहुत सारे तरीके होते हैं कंप्यूटर को उसको आपस में कनेक्ट करने के, ठीक है। तो तीन बेसिक टॉपोलॉजीज कौन सी है, वन इज बस टॉपोलॉजी, सेकंड इज रिंग टॉपोलॉजी एंड थर्ड इज स्टार टॉपोलॉजी। तो आओ अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये हैं क्या, ठीक है। ध्यान देना है, देखो सबसे पहले तो ये याद कर लो कि बस टॉपोलॉजी कोई डिवाइस नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये है बस टॉपोलॉजी या टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी कुछ नहीं होता, एक तरीका है, ओके। तो तरीका कोई चीज नहीं होती, एक मेथड है बस, उस मेथड को बोल रहे हैं हम टॉपोलॉजी, ओके। ध्यान से समझना इस बात को। तो तीन मेथड हैं, उन तीनों मेथड्स के अलग अलग नाम रखे गए हैं, बस टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बस टॉपोलॉजी क्या है। इन बस टॉपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल बेसिक कॉल्ड बस। बस टॉपोलॉजी में ऑल दी नोड्स, नोड्स का मतलब सिंपल है कंप्यूटर, आप कंप्यूटर समझ सकते हो कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक सेंट्रल बेसिक से कनेक्ट होते हैं जिसको हम बस बोलते हैं। बेसिक से मतलब है वायर, ठीक है। एक वो सेंट्रल वायर, एक सेम वायर होती है, सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो उस एक वायर से कनेक्ट होते हैं, और उस वायर को हम क्या बोलते हैं, उस सेंट्रल वायर को हम बस बोलते हैं, ठीक है। दैट शेयर्स कम्युनिकेशन, और जिसके द्वारा कम्युनिकेशन को शेयर किया जाता है, मतलब मैसेज या डेटा को शेयर किया जाता है, किसके द्वारा, इस बस के द्वारा। मतलब वो एक सिंगल वायर, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, ये एक स्ट्रीट वायर है, एक वायर ये है। अब जितने भी कंप्यूटर हमने इसको इसी वायर से जोड़ दिया, जैसे एक कंप्यूटर था ये इसको इस वायर से ऐसे जोड़ दिया, फिर दूसरे को एक वायर ली इसी वायर में से इसको जोड़ दिया, तो तीसरे कंप्यूटर को भी इसी वायर में से जोड़ दिया, चौथे कंप्यूटर, तो ये सारे कंप्यूटर वो इसी वायर के थ्रू कनेक्ट हैं। तो जिस भी कंप्यूटर को जोड़ना, आगे भी हो तो इसी से जोड़ते जाओ। अब देखो जब आप पिक्चर बनाओगे तो आपको ये बनाने की जरूरत है, एक तो एक कंप्यूटर्स बनाने की जरूरत है, इसकी जगह एक सिंपल सर्कल या आप ऐसे स्क्वायर बना सकते हो कि ये आपके कंप्यूटर को शो करेगा, ओके। फिगर्स आपको बनानी होती है, ठीक है। तो और ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बस टोपोलॉजी की उसमें आई है, तो ये कोई जरूरी नहीं है आप इन सबको, जैसे यहाँ पे दिखा रखा एक कंप्यूटर इस साइड है, फिर एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, ऐसे साइड से कोई मतलब नहीं है, ओके। तो लगातार बस जैसे एक वायर है, बस मेन बात समझने के बस टोपोलॉजी होता है कि कैसा मेथड, एक वायर से हमने बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ते हैं, जैसे एक कंप्यूटर जोड़ दिया, फिर थोड़ी सी आगे चल गए एक और कंप्यूटर, फिर एक और कंप्यूटर, फिर एक और, तो आप एक साइड भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों साइड भी बना दो, या दो कंप्यूटर इधर बना दिए, एक इधर बना दिया, फिर तीन इधर बना दिए, एक इधर बना दिया, चार इधर बना दिए, कैसे भी बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड समझना है कि जब एक सेंट्रल वायर से बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो सारे कंप्यूटर भी क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट हो गए। जैसे देखो एक वायर ली, अब ये सारे इस वायर से कनेक्ट किए तो ये आपस में भी कनेक्ट हो गए ना। जैसे ये वाला कंप्यूटर है, देखो ये इससे कैसे कनेक्ट हुआ, ये यहाँ से इसमें से डेटा जाएगा, यहाँ से जाएगा वायर में और फिर इसमें चला जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही इसके पास भेजना हो, इसे डेटा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर इस वायर में से ऐसे जाके इस तक चला जाएगा, या इसके पास भेजना तो ये यहाँ से डेटा जाएगा, यहाँ से ओके यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। तो कोई भी किसी को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है किस एक एक सेंट्रल वायर की वजह से, तो सारा डेटा इसी में से ट्रांसफर होता है, इसी सेंट्रल वायर को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस टोपोलॉजी का क्या नाम है, बस टोपोलॉजी। आपको समझ आ गया होगा ना ये अच्छे से, ओके। तो आगे पढ़ते हैं, दिस अलाउज ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट, अच्छा जो बस टोपोलॉजी होती है क्या करते हैं, दिस अलाउज ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट ए टाइम। अब इस टोपोलॉजी में एक बार में केवल कोई एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर सकता है, क्यों कर सकता है, अब मान लो इसे इसको डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, और इस कंप्यूटर को इसे ट्रांसफर करना है, अगर दोनों सेम टाइम पे कर देंगे तो क्या होगा, इसने यहां से डेटा भेजा, ये डेटा ऐसे जा रहा है, मान लो इसमें से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां तक जाएगा तो, बट अभी पहुंचा नहीं, यहां तक आया, और उसी टाइम इस कंप्यूटर ने भी डेटा भेज दिया इसके पास, तो इसका डेटा यहां से होकर ऐसे आ रहा है, इसका कंप्यूटर इधर से जा, सॉरी इस कंप्यूटर का डेटा इधर से जा रहा था, इसका इधर से आ गया, तो दोनों डेटा क्या होंगे, बीच में टकराएंगे और एक दूसरे के साथ मिलके करप्ट हो जाएंगे, है ना। तो ना इसके पास डेटा पहुंचेगा, ना इसने जो भेजा था इसका। तो इसीलिए इस टोपोलॉजी में क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि एक बार में केवल एक ही कंप्यूटर किसी को डेटा ट्रांसफर कर पाए। जिस वक्त एक कंप्यूटर जब डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा तो कोई दूसरा कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर उस टाइम पे नहीं कर सकता, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा कंप्यूटर कर पाएगा, ठीक है। द बस हैज टर्मिनेट्स एट ईदर एंड, अब जो दोनों ही एंड होते हैं उस पर जो बस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है,
एंड विच टेक्स द सिग्नल्स, तो यहाँ पर ये एंड हो जाती है और ये जो एंडिंग पॉइंट्स है ये उन सिग्नल्स को अपने अंदर कैच कर लेते हैं, रिमूविंग इट फ्रॉम द बस, और वो सिग्नल्स हैं उनको इस बस से हटा देते हैं। मतलब जैसे इसने कोई डेटा भेजा तो यहाँ से जाते 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 लास्ट में जब यहाँ इस एंड के पास पहुँचेगा तो ये जो एंडिंग पे जो टर्मिनेटर बोलते हैं इनको, ये जो टर्मिनेटर होते हैं उस डेटा को अपने पास रख लेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये डेटा वापस घूम के वापस इधर आ जाएगा। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इन बोथ डायरेक्शन ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क, और इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, यहाँ से डेटा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है या इधर से इधर भी आ सकता है। ओके, तो ये था बस टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं, एडवांटेज क्या क्या है। इट इज इजी टू सेटअप, अब ये जो अपन सेट करने में आसान होती है ये वाली टोपोलॉजी, मतलब कंप्यूटर को अगर आपको बस टोपोलॉजी का यूज करके बस इस मेथड से अगर कनेक्ट करना है तो बहुत आसान है। ओके, फेलियर वन नोड डज नॉट अफेक्ट द अदर नोड इन द नेटवर्क, अब मान लो ये कंप्यूटर खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कंप्यूटर बंद पड़ जाएंगे, ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, कोई भी दूसरे बाकी जो कंप्यूटर बचे हैं वो तो आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ना, जैसे क्योंकि डेटा तो इस सेंट्रल नोड में से सॉरी जो सेंट्रल ये वायर है जिसको बस बोला है इसमें से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फेलियर ऑफ वन नोड मतलब एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो उससे दूसरे कंप्यूटर्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन बाकी कंप्यूटर्स में जो डेटा का ट्रांसफर है वो चलता रहेगा। इट अलाउज हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और इसमें जो डेटा ट्रांसफर का रेट होता है यानी स्पीड होती है वो भी बहुत फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज। इसी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या, कैन नॉट मैनेज हैवी ट्रैफिक रेट्स, अब इसमें ट्रैफिक रेट ज़्यादा मतलब एक बार में एक ही डेटा एक ही कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कि इसने भी भेज दिया उसने भी भेज दिया सारे एक साथ डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो इसमें ट्रैफिक नहीं बढ़ सकता एक क्योंकि एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकता है तो बाकी सारे कंप्यूटर को वेट करना पड़ेगा जब तक एक कंप्यूटर का डेटा पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो जाता। ठीक है, सेकंड है इस सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच रिसीवर, जब बस में कोई सिग्नल भेजा जाता है तो वो इतनी तेज स्ट्रेंथ के साथ भेजा जाएगा कि वो आखिरी कंप्यूटर तक पहुंच जाए। यहाँ पे तो जैसे पिछली हमने यहाँ पे तो थोड़े कंप्यूटर दिखाए ना, हो सकता है 100 कंप्यूटर लगातार कनेक्ट कर रखे और वायर भी बहुत लंबी हो, तो इस कंप्यूटर ने भेजा वो अब जो सिग्नल्स होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं जब वो इस वायर में से चलते हैं तो आगे चलते चलते सिग्नल्स वीक होते जाते हैं, तो यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना पड़ेगा काफ़ी ताकि वो आखिरी कंप्यूटर तक भी पहुँच जाए, क्योंकि हो सकता है वो डेटा लास्ट कंप्यूटर के पास ही जाना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला है सेकंड पॉइंट है सिग्नल ऑन द बस, बस में जो सिग्नल भेजा गया है मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू रीच द रिसीवर कि वो उस तक पहुंच सके जिसके पास भेजा गया, रिसीवर वो कंप्यूटर होता है जिसके पास भेजा जाता है डेटा। ठीक है, या यूं कह लो जो डेटा को रिसीव करेगा। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस एंड लिमिटेड केबल लेंथ, अब इसमें जो होते हैं आप ज़्यादा स्टेशंस नहीं बना सकते और जो केबल की लेंथ है उसको भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना जो सिग्नल है इसमें से क्या होता जाता है वीक होता चला जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी वायर यूज़ कर लोगे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो सिग्नल्स वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं और ये जो नेटवर्क है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ये टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो लेंथ होती है बस की वो लिमिटेड होती है। सेकेंड इज स्टार टोपोलॉजी, अब दूसरा तरीका है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का, अब जैसे मान लो यही 6 कंप्यूटर वहाँ भी कनेक्ट किए थे, अब 6 कंप्यूटर जैसे यहाँ भी दिखा रखे हैं तो यहाँ भी कनेक्ट किए गए, बट यहाँ कैसे कनेक्ट किए गए हैं, इसका नाम क्या है स्टार टोपोलॉजी। उसका नाम स्टार टोपोलॉजी क्यों रखा है, पिछली बस टोपोलॉजी समझ में आ गया था उसका नाम क्यों रहा, क्योंकि उसमें एक सेंट्रल वायर होते हैं जिससे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, उस सेंट्रल वायर को हम बस कहते हैं। ओके, इसलिए उस टोपोलॉजी का नाम भी क्या है बस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे इसका नाम स्टार टोपोलॉजी क्यों, देखो इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं, जितने भी कंप्यूटर है ना उनको एक सेंटर में एक डिवाइस रख देते हैं जिसका नाम होता है हब। ओके, इस सेंट्रल डिवाइस का क्या नाम है हब, और ये बाकी सारे कंप्यूटर को हम इस हब से कनेक्ट कर देते हैं, वहां पे एक सेंट्रल वायर से कनेक्ट किया था, यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको हब बोला जा रहा है। तो होगा क्या, जैसे इसको यहाँ से एक वायर ली इस हब से कनेक्ट कर दिया, इसमें भी इस कंप्यूटर को वायर से लेके इस हब से कनेक्ट कर दिया, ऐसे सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। अब किसी को भी डेटा ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, डेटा कहाँ से जाएगा इस हब से होगा, जैसे इस कंप्यूटर को इसे भेजना है तो ये इस हब को भेजेगा, हब ये डेटा इसको भेज देगा।
ठीक है, ऐसे ही ये कंप्यूटर को भेजना है तो ये इसको भेज देगा, अब यहाँ से जिस भी कंप्यूटर के पास जाना वहाँ डेटा चला जाएगा। क्योंकि एक्चुअली हब जो होता है, हब होता तो ऐसा है कि वो सबके पास भेजता है, जैसे इसने कोई भी डेटा भेजा वो हब के पास आया, अब हब उस डेटा को बाकी सबके पास ही भेज देता है, रियल में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब उसमें से वो डेटा जिसके लिए होता है वो उस डेटा को रख लेता है, जो बात जिस कंप्यूटर के लिए वो डेटा नहीं होता तो वो उसका डेटा को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जिस तक पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है, ठीक है, जिसको चाहिए तो वो उस डेटा को रख लेगा, तो ऐसे वर्क करता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं अब एक बार। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच। इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं नेटवर्क के, वो सारे एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं जिसको स्विच बोलते हैं। स्विच भी बोलता है या हब भी होता है, तो स्विच से भी कर सकते हैं या हब से भी। स्विच और हब में डिफरेंस यही होता है, जैसे मैंने हब बताया ना, हब तो क्या होता है कि एक कंप्यूटर ने इसके पास डेटा भेजा, ये बाकी सबके पास भेज देगा। और स्विच होता है ना, इस हब से थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, जब ये कंप्यूटर डेटा इसके पास भेजता है तो ये चेक करता है कि ये डेटा किस कंप्यूटर का है और वो फिर उसी के पास भेजेगा। ठीक है, जैसे इस कंप्यूटर के लिए डेटा तो ये सबके पास नहीं भेजेगा, सिर्फ इसी के पास भेजेगा। हब तो क्या कहता है कि इसके पास डेटा है, ये सबको भेज देगा, जैसे बोल दिया हो, ऐसे बोलते नहीं है ये हब, बोलता नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, कि जैसे ये हब सबको भेज दे और कह दे भाई जिसका डेटा है वो रख लो, जिसका डेटा नहीं है वो छोड़ दो। ठीक है, तो हब तो ऐसे काम करता है। और स्विच कैसे काम करता है, ये खुद से सोचता है कि भाई ये डेटा किसका है। एक्चुअली जब डेटा भेजा जाता है उस डेटा के अंदर ही ये भी बताया जाता है ये कौन से कंप्यूटर के लिए है, तो ये केवल उसी को भेजेगा जिस कंप्यूटर के लिए वो डेटा है। तो ये स्विच और हब में डिफरेंस होता है, तो दोनों का ही यूज किया जाता है बीच में, यानी सेंट्रल डिवाइस के रूप में स्विच का भी यूज कर सकते हैं, हब का भी यूज कर सकते हैं। स्विच थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, हब ज्यादा सस्ता आता है। ठीक है, ऑल द डेटा ऑन द स्टार टोपोलॉजी पासिस थ्रू द सेंट्रल डिवाइस। अब इसमें जितना भी डेटा है वो इस सेंट्रल डिवाइस में से तो होके गुजरेगा ही, चाहे वो स्विच है या हब है, बिफोर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब वो कंप्यूटर जिसके पास आखिर में वो डेटा जाना है, तो वहां से पहुंचने से पहले कहाँ से गुजरता है, सेंट्रल डिवाइस में से होके गुजरता है। द स्विच इज मेन पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग। जो स्विच है इसका मेन पार्ट होता है। स्विच मतलब अगर आपने स्विच यूज किया तो स्विच हब है, तो हब इट कंट्रोल ऑल कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। यही जो है डिवाइस है, स्विच कह लो, वो ही क्या करता है, इस कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है पूरे नेटवर्क पर। ठीक है, तो पूरा जो कम्युनिकेशन है इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलो अब इसके कुछ एडवांटेज पढ़ते हैं। लाइन कॉस्ट इज मिनिमम। अब जो क्योंकि इसमें जो लाइन की कॉस्ट होती है, यानी वायर्स की कॉस्ट होती है, वो कम होती है। सेकंड, इजी टू कनेक्ट विद न्यू नोड। कोई दूसरा कंप्यूटर आपको कनेक्ट करना हो तो वो भी बिल्कुल आसान है, एक और कंप्यूटर ले उसकी वायर भी इस वायर से जोड़ दी तो वो भी ऑटोमेटिकली बाकी सभी कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। जो भी कंप्यूटर इससे जुड़ जाएगा, इस सेंट्रल हब से या स्विच से, तो वो समझो बाकी सबसे भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और एडवांटेज क्या है, फेलियर ऑफ वन नोड और लिंक्ड लिंक डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर कोई एक लिंक मतलब एक वायर खराब हो जाए या एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो उससे बाकी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि ये कंप्यूटर किसी और को डेटा नहीं भेज पाएगा, ना कोई इसको भेज पाएगा, बट बाकी सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं। तो किसी एक कंप्यूटर के खराब होने से ऐसा नहीं कि बाकी सारा नेटवर्क भी खराब हो जाए। ओके, तो ये थे क्या एडवांटेज इसके। अब डिसएडवांटेज भी पढ़ते हैं इसके। द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच। पूरा सिस्टम इस सेंट्रल स्विच पर डिपेंड करता है। इफ इट फेल्स, अगर ये खराब हो जाए, द एंटायर नेटवर्क फेल्स, फिर कोई भी किसी को डेटा नहीं भेज सकता। जैसे एक कंप्यूटर खराब हो जाए तब तो कोई बात नहीं, ये तो एक एडवांटेज था, लेकिन क्योंकि ये बीच में जो स्विच या हब है, अगर वो खराब हो जाए तो फिर समझ लो कोई किसी को डेटा नहीं भेज पाएगा, क्योंकि डेटा तो इसी में से जाना था। ओके, तो ये क्या एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन एडिशन ऑफ नोड्स इन द सेंट्रल डिवाइस। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, मतलब डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो पाएगा। ओके, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी नोड्स कनेक्ट कर रखी हैं इस सेंट्रल डिवाइस से, हब या जो स्विच है उस पर कितने कंप्यूटर, यानी जितने ज़्यादा कंप्यूटर आप जोड़ते चले जाओगे उससे परफॉर्मेंस कम होती जाएगी नेटवर्क की, मतलब जो डेटा का ट्रांसफर रेट है, स्पीड है, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो आगे चलते हैं, उसके बाद थर्ड टाइप है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी का नाम रिंग क्यों पड़ा,
देखो इसमें हम कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा चलो एक बार वापस आता हूँ मैं और यहाँ पर आपको समझाता हूँ जो ये वाली जो टोपोलॉजी थी स्टार टोपोलॉजी। ओके इसमें भी जैसे मैंने बताया इसका नाम स्टार क्यों पड़ा, स्टार इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें देखो एक बीच में कोई चीज है उसमें से ऐसे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। स्टार भी ऐसा ही होता है ना, बीच में एक स्टार होता है उसमें से ऐसे अलग अलग रेज किरणें निकलती रहती हैं चारों तरफ। ओके तो इसकी जो शेप है स्टार जैसी है इसीलिए इसको स्टार टोपोलॉजी नाम दिया गया, यानी जो कंप्यूटर है ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे स्टार हो। बट ध्यान रखना है जरूरी नहीं कि कंप्यूटर ऐसे रखे गए हैं तभी स्टार होगा, ये ऐसे भी होगा। जैसे इस सेंट्रल डिवाइस को मैं आपको अलग से एक बार बना के दिखाता हूँ। मान लो यहां पर ये स्विच या हब है। ओके अब एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। ओके अब इन सबको अगर मैं इस हब से कनेक्ट कर दूं, इसको कनेक्ट कर दूं, इसको भी कनेक्ट कर दूं, इसको भी कनेक्ट कर दूं, इसको भी कनेक्ट कर दूं, तो ये भी देखो क्या ये स्टार जैसी शेप बनी? नहीं बनी ना स्टार जैसी शेप तो। लेकिन ये भी क्या है तो ये भी स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि मेन चीज को पढ़ना है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से, मतलब किसी एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसी आपने फिगर बनानी है तो वो गलत नहीं होगी। तो ध्यान से समझना है कि स्टार टोपोलॉजी होती क्या है। इस बस इसको नहीं देखना, इस फिगर को देखिए। अच्छा इसमें तो बस बीच में अगर हब को रखोगे तभी होगा, ऐसे साइड में रख दिया है बट कनेक्ट सारे डिवाइस इसी से हैं तो बात तो एक ही है। ओके तो ऐसे शेप पे नहीं जाना कि जैसे जो बुक में बना दिया बस उसी को रटना। समझना है कि स्टार टोपोलॉजी होती क्या है, कि जब बाकी सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं स्टार टोपोलॉजी। ओके और एक सेंट्रल वायर से कनेक्ट हो तो बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। तो इसमें देखो जैसे पांच कंप्यूटर लिए गए, पांच की बजाय आप छह भी ले सकते हो, यहाँ पे भी मान लो एक कंप्यूटर ले सकते थे। ठीक है, बट ये कनेक्ट कैसे है मेथड को देखो। एक कंप्यूटर नेक्स्ट वाले से कनेक्ट है, फिर वो कंप्यूटर अगले वाले से, फिर ये कंप्यूटर अगले वाले से, ये अगले वाले से, और ये फिर वापस आखिरी जो कंप्यूटर, मान लो अगर इसको मैं पहला कंप्यूटर मानूं तो ये अगले से कनेक्ट हुआ। हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, एक अपने से पहले वाले से, एक अपने से अगले वाले से। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होगा। जो लास्ट कंप्यूटर आ जाएगा वो अपने पहले वाले से तो कनेक्ट था ही, वो फिर जो बिल्कुल पहला कंप्यूटर था उससे भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक सर्कल सा बन जाएगा। ओके कंप्यूटर कितने भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लो एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है। मैंने क्या क्या, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे। अब देखो शेप तो ट्रायंगल जैसी बनी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर्कल या रिंग जैसी शेप बनेगी तभी रिंग टोपोलॉजी होगी। समझना है इसको ध्यान से। अगर कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट है कि एक हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, एक अपने से पहले वाला, एक अपने से अगले वाला, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे बन रही है। ओके समझ में आया ये? तो इस कंप्यूटर में जो फिगर को देख के उसका रट्टा नहीं मारना, समझना है। ओके ऐसे चार कंप्यूटर भी हो सकते थे, मान लो एक मैंने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ये इससे कनेक्ट कर दिया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, वापस दोबारा इस पहले कंप्यूटर से, तो ये भी क्या बन गई, ये भी रिंग टोपोलॉजी है, जबकि शिप शेप तो नहीं है रिंग की। अब ऐसा नहीं है इसको मैं स्क्वेयर टोपोलॉजी बोलूंगा। ओके तो ये भी क्या है, रिंग टोपोलॉजी है, क्योंकि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वही है। तो अब फिर से पढ़ते हैं। इन ए रिंग टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच ए वे। जो रिंग टोपोलॉजी में नोड्स होती है, मतलब कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं दैट मेक क्लोज्ड लूप। तो उससे क्लोज्ड लूप बन जाता है। लूप किसको बोलते हैं, लूप बोलते हैं सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ये सारे लूप है। मतलब कोई एक ऐसा रास्ता या पाथ कि आप जहां से अगर चलो और आप चलते जाओ दोबारा घूम के वापस वहीं आ जाओ। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पाथ अगर आप जिस पे एक बार बस आप स्ट्रेट चलते जाओ और घूम के वापस वहीं आ जाओ स्ट्रेट चलते चलते, तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ओके तो जैसे सर्कल भी एक लूप होता है, रेक्टेंगल भी एक लूप होता है। रेक्टेंगल में भी ऐसे ही है ना, एक पॉइंट से चलो तो फिर आप ऐसे उस पर चलते चलते वापस उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहां से चले थे, तो वो क्या, एक क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो इस रिंग टोपोलॉजी में नोड्स होती हैं, आपस में इस तरीके से कनेक्ट होती हैं कि वो मिलकर एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं।
डेटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। अब इस टोपोलॉजी के अंदर भी कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, उनमें से एक रूल क्या होता है कि जो डेटा होगा हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। जैसे आपने पहले पढ़ा था ना कौन सा, बस टोपोलॉजी, उसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिक्स कर दिया था, जैसे यहाँ पे अब ये एरो के साइन दिखा रहे हैं कि डेटा होगा बस ऐसे ही इसी डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज ही चलेगा। जैसे मान लो इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो वैसे रास्ता तो छोटा ही है कि डायरेक्ट ऐसे भेज दे, ऐसे नहीं जाएगा डेटा, जाएगा कैसे, इसको इसके भेजना है तो ऐसे ही जाएगा, यहाँ से होता है इस कंप्यूटर पे, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर, फिर वापस इसके पास आएगा, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में हमेशा डेटा रोटेट करेगा। ईच कंप्यूटर पासिस द डेटा टू द नेक्स्ट वन ऑन द लाइन ऑटोमेटिकली। और इसमें क्या होता है, जैसे डेटा ऐसे ही होता है कि ये कंप्यूटर इस अगले वाले डेटा को अपना डेटा सेंड कर देगा, फिर ये अब उससे अगले वाले को सेंड कर देगा, ये उससे अगले वाले को, ये उससे अगले वाले को, लास्ट में अगर कोई बीच में ऐसा कंप्यूटर आ जाता है कि वो डेटा उसी के लिए था, तो वो उस डेटा को वहीं पे रख लेगा, ठीक है, दोबारा फिर आगे सेंड नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से इस रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर होता है। तो समझ में आ गया, ये भी एक मेथड है, मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करने का एक मेथड तरीका है कि कंप्यूटर को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि वायर्स मिलके क्या बना लेते हैं, क्लोज लूप बना लेती हैं। ओके, अब एडवांटेज की बात करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। ईच कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, सभी कंप्यूटर को रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस मिलता है। मतलब कोई भी रिसोर्स अगर इस कंप्यूटर, मान लो यहां पे मैं एक प्रिंटर कनेक्ट कर दूं, तो सभी उस प्रिंटर को इक्वल रूप से यूज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इट इज मोर रिलायबल देन स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी से ज्यादा रिलायबल, मतलब भरोसेमंद, विश्वसनीय होता है, हम इस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में जो स्विच पर बिल्कुल डिपेंड होते थे हम, अगर स्विच खराब हो गया तो सारा कुछ खराब, तो ये थोड़ा सा ज्यादा विश्वसनीय होता है उससे, ठीक है, इसके वर्क करने के ज्यादा अच्छे चांस होते हैं। नेक्स्ट इज, इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। क्या डिसएडवांटेज है? फेलियर ऑफ वन नोड रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द एंटायर नेटवर्क। एक कमी वो तो इसमें भी है कि अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया, जैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया, अब कोई भी किसी को डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मान लो इसे इसे डेटा ट्रांसफर करना, जाना तो यहीं से होके था ना, अब ये खराब हो गया तो डेटा आगे ट्रांसफर नहीं, क्योंकि लूप टूट जाएगा। एक भी कंप्यूटर खराब हुआ तो बीच में से लूप टूट गया, आप दोबारा घूम के वापस नहीं आ सकते वहाँ, और ऐसा होते ही ये जो है रिंग टोपोलॉजी वो वर्क करना बंद कर देगी, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो वर्क करना बंद कर देगा रिंग टोपोलॉजी के अंदर। दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखते हैं। द रिंग नेटवर्क रिक्वायर स्पेशल सेंट्रल सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से डेटा को ट्रांसफर कराया जाता है एक दूसरे कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर अलग से आता है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। ओके, तो ये सब था इस वीडियो में, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो फिर थोड़ा सा पार्ट और बचा है इस चैप्टर का, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।